ओसो मतलब आचार्य रजनीश, लोग उन्हें कभी चाहकर भी नहीं बुला सकते। उनकी जयंती के अवसर पर ओशो के चाहने वालों ने उन्हें याद किया और केक काटकर उनका जन्मदिन मनाया। बैठन के चाचा नेहरू पार्क में ओशो आचार्य रजनीश का जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। ओशो के अन्य अनुयायी THDCIL के अधिकारी डॉक्टर मनोज रांगड़ उर्फ स्वामी बोधी ने कहा कि भगवान ओशो का जन्म इसी मध्य प्रदेश की धरती पर जबलपुर के पास कुचवाड़ा में हुआ था। ओशो जबलपुर महाविद्यालय में प्रोफेसर हुआ करते थे। वहां से निकलकर वो अमेरिका गए। वहां भी उनके करोड़ों अनुयायी थे और ओशो ने मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए विभिन्न मुद्राओं के योग करने की सलाह दी थी। ओशो के जन्मदिन पर ओशो के पोस्टर लगाकर केक काटा गया। इसके बाद ओशो के अनुयायी थिरकते हुए नजर आए। सबसे पहले तो ओशो जी को हम सभी की तरफ से हैप्पी बर्थडे ओशो जी। और यहाँ पे हम लोग गुरु जी के थ्रू यहाँ आए ओशो जी का बर्थडे मनाने, और ये मेरे लिए नया चीज है, लेकिन इनसे जुड़ के मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि इसमें लोगों को स्ट्रेस रिलीज होता है, इसमें लोग को सोचना नहीं है कुछ भी, मगन रहिए, खुश रहिए। और आज के मतलब मॉडर्न जमाने में बहुत जरूरी है कि लोग अपने स्ट्रेस को रिलीज करें किसी भी तरह से। और थ्रू डांस गुरुजी बोलते हैं कि ओशो जी हमेशा डांस को प्रेफर करते हैं और प्रेफरेंस देते हैं, तो मैं भी चाहूंगी कि हर लोग कम से कम एक टाइम तो ओशो को याद करके झूमे घर में भी कहीं पर भी। और थैंक यू। ओशो कुचवाड़ा मध्य प्रदेश में 11 दिसंबर को जन्मे और आज पूरी दुनिया में उनका दर्शन, उनके विचार, उनका भाव छाया हुआ है। ओशो ने आज के मनुष्य के लिए जितने ध्यान के प्रयोग, ओशो अकेले हैं जो संसार और संन्यास को जोड़ने की बात करते हैं, ओशो सिखाते हैं मेडिटेशन एंड सेलिब्रेशन, ओशो आइंस्टीन टू बुद्धा की बात करते हैं। आज ओशो ने जितने ध्यान के प्रयोग किए हैं, आधुनिक आदमी को देखते हुए उनका दिन पर दिन प्रयोग बढ़ता जा रहा है, समाज में उपयोगिता बढ़ती जा रही है, समाज में ओशो फैलते जा रहे हैं। ओशो का ही दर्शन आज की डेट में, क्योंकि आज के आदमी की भाषा ओशो बोल रहे हैं, इसलिए आने वाले समय में, और जो भी मैं भाग्यशाली हूँ कि मध्य प्रदेश ओशो की धरती में आया और इस पार्क में आना हुआ, और इस पार्क में धीरे धीरे योगा ध्यान करते करते, पहले भी जो आप लोगों के साथ शेयर किए ओशो के प्रयोग कर रहे थे, आज आप सभी ने यहाँ पर अवसर दिया कि ओशो के जन्मदिन के अवसर पर इसे उत्सव के रूप में मनाया। जहाँ तक आप संदेश की बात कर रहे हैं, ओशो आज परिचय के मोहताज नहीं है। आने वाले समय में मनुष्यता को जितनी जरूरत ओशो की पड़ेगी, संभवतः क्योंकि ओशो आधुनिक आदमी की भाषा बोल रहे हैं, तो इसलिए अपील करता है और दिन पर दिन समाज में ओशो का संदेश फैलता जा रहा है। सभी लोगों का धन्यवाद। सबसे पहले मैं अपने ओशो गुरु जी भगवान को नमस्कार करना चाहूंगी, और ओशो जी की थॉट से मैं बहुत प्रेरित होती हूँ। भले ही मैं शिविर ज्वाइन नहीं करती हूँ, लेकिन ओशो की थॉट्स हमेशा मेरे को जो है प्रेरित करती है, और मैं खुश और अपने स्ट्रेस को गुरुजी के द्वारा ही हमें बहुत प्रेरणा मिली। गुरुजी हमारे पार्क में आए और उनके द्वारा सभी लोग स्ट्रेस को अपने दूर कर रहे हैं। गुरुजी और ओशो गुरु हमारे जबलपुर में ही पैदा हुए, और ओशो जी आने वाले समय में हम लोग जो स्ट्रेस से बहुत ज़्यादा, आज की नव पीढ़ी जो है वो स्ट्रेस से बहुत ज़्यादा है, और मैं चाहती हूँ कि सभी लोग जुड़ें योगा से और मेडिटेशन से। मेडिटेशन हमारी लाइफ में सबसे ज़रूरी है। ओशो ने हमेशा कहा है कि ध्यान लगाइए और मेडिटेशन करिए, खुश रहिए, डांस करिए, झूमते रहिए, सारे अपने दुख दर्द सब एकदम खत्म कर दीजिए और खुश रहिए। मैं यही कहती हूँ कि लोग हमेशा ओशो से जुड़े, ज्यादा से ज्यादा लोग अपने गुरु को सम्मान करें और अपने स्ट्रेस को दूर करें। आज मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, अपनी वाणी को यही समाप्त करना चाहती हूँ। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।